हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी जोन। इस वीडियो में मैं आपको अक्टूबर महीने के हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चंस बताऊंगा। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इस वीडियो को ध्यान पूर्वक अंत तक जरूर देखें और साथ ही आप स्टडी जोन को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल का बटन जरूर दबाएं ताकि हमारी नई वीडियो अपलोड होते ही आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। और आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइए और इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा व्हाट्सएप ग्रुप, ज्यादा ज्यादा फेसबुक पेजेस पर शेयर जरूर करें। आपका पहला क्वेश्चन है, कोर्ट में दाखिल की जाने वाली याचिकाओं को दोनों ओर प्रिंटिंग की अनुमति देने वाला देश का पहला हाईकोर्ट कौन सा बना है? तो इसमें आंसर आएगा, यह हाईकोर्ट बना है पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट, और पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट चंडीगढ़ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा कैडर के किस आईपीएस अधिकारी को सशस्त्र सीमा बल पुलिस का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो इसमें आंसर आएगा, सशस्त्र सीमा बल पुलिस का महानिदेशक नियुक्त किया गया है एसएस देसवाल को, और एसएस देसवाल 31 अगस्त 2021 तक इस पद पर बने रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने किस महान हस्ती के नाम पर सौर ऊर्जा पुरस्कार शुरू किया है? तो इसमें आंसर आएगा, सौर ऊर्जा पुरस्कार कल्पना चावला के नाम पर शुरू किया गया है, और वहीं कल्पना चावला का जन्म हरियाणा के करनाल जिले में हुआ था और इनका जन्म 1 जुलाई 1961 को हुआ था। वहीं एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि कल्पना चावला का देहांत कब हुआ था? तो कल्पना चावला की मृत्यु 1 फरवरी 2003 को हुई थी, और वहीं कल्पना चावला अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला थी, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्रपति अवार्ड 2018 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसमें आंसर आएगा, इस अवार्ड से बलवंत तक्षक को सम्मानित किया गया है। वहीं आपका यह क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि छत्रपति अवार्ड किसकी याद में शुरू किया गया है, जिसमें आपके ऑप्शनों में शिवाजी, छत्रपति शिवाजी भी हो सकते हैं, तो इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। छत्रपति अवार्ड पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की याद में शुरू किया गया है, और वहीं बलवंत तक्षक को साध्वी यौन शोषण के मामले को उजागर करने के लिए इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है, और साध्वी यौन शोषण मामले में डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को पंचकुला सीबीआई कोर्ट से 10-10 साल की सजा सुनाई जा चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार कहां पर स्थित स्टैचू ऑफ यूनिटी के पास अपना हरियाणा भवन बनाएगी? तो इसमें आंसर आएगा, गुजरात में स्थित, और स्टैचू ऑफ यूनिटी भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री और प्रथम गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल को समर्पित एक स्मारक है, और वहीं स्टैचू ऑफ यूनिटी विश्व का सबसे ऊंचा स्टैचू है, और वहीं इसकी ऊंचाई है 182 मीटर, और वहीं इसके कलाकार है राम सुतार, और यह नर्मदा नदी के द्वीप पर बना हुआ है, और यह जिस द्वीप पर बना हुआ है उस द्वीप का नाम है साधु बेट, यह भी आपको याद रखना है। और मोस्ट एक्सपेक्टेड है कि स्टैचू ऑफ यूनिटी से रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाए, इसलिए आपको इसके बारे में सभी बातें याद रखनी है, किस नदी के तट पर है, कितनी ऊंचाई है, इसके कलाकार कौन है, किस राज्य में बना हुआ है, ये सभी बातें आपको याद रखनी है। और वहीं इसका उद्घाटन 31 अक्टूबर 2018 को हुआ था, 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिवस होता है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रो कबड्डी लीग के लिए हरियाणा स्टीलर्स ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो इसमें आंसर आएगा, योगेश्वर दत्त को, और योगेश्वर दत्त 2012 लंदन ओलंपिक के कांस्य पदक विजेता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रो कबड्डी लीग 2018 के लिए हरियाणा स्टीलर्स ने अपना कप्तान किसे बनाया है? तो इसमें आंसर आएगा, हरियाणा स्टीलर्स का कप्तान बनाया गया है मोनू गोयत को, और मोनू गोयत को 1.51 करोड़ रुपए में खरीदा गया है, और यह हरियाणा स्टीलर्स के सबसे महंगे खिलाड़ी बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2018 के तहत किस राज्य को सर्वोच्च राज्य का पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो इसमें आंसर आएगा, हरियाणा राज्य को, और यह पुरस्कार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत ग्रामीण सर्वेक्षण 2018 में देश में सर्वोच्च स्थान के पुरस्कार प्राप्त करने वाले देश के 6 जिलों में हरियाणा के कितने जिलों ने पुरस्कार प्राप्त किया है? तो इसमें आंसर आएगा, 3 जिलों ने, और ये 3 जिले हैं, इसमें हरियाणा के रेवाड़ी को 2रा स्थान, गुरुग्राम को 5वां स्थान, और करनाल को 7वां स्थान मिला है। और वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि इस रिपोर्ट में पहला स्थान किस जिले को मिला है,
तो पहला स्थान मिला है महाराष्ट्र के सतारा जिले को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस एयरपोर्ट को एरोड्रम के लिए लाइसेंस मिला है? तो इसमें आंसर आएगा हिसार एयरपोर्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लगातार दूसरी बार हरियाणा का नंबर वन आवासीय विद्यालय किसे चुना गया है? तो इसमें आंसर आएगा नंबर वन आवासीय विद्यालय चुना गया है कुरुक्षेत्र गुरुकुल को, और कुरुक्षेत्र के प्राचीनतम गुरुकुल को सर्वेश परीक्षा परिणाम और छात्रों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं के आधार पर नंबर वन चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा में काम पर सर छोटू राम की 64 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है, तो यह अनावरण किया गया रोहतक जिले में, और इसका अनावरण रोहतक जिले के सापला में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी मिनिमम स्पॉट प्राइस में कितने रुपए की बढ़ोतरी की है? तो इसमें आंसर आएगा 105 रुपए की, और अब गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1840 रुपए प्रति क्विंटल हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में किस जिले के गढ़ी हरसरू से लेकर फरकनगर के लिए स्वच्छता ट्रेन की शुरुआत की गई है? तो इसमें आंसर आएगा गुरुग्राम जिले में, और इस ट्रेन में 1947 के वक्त का आजाद नामक इंजन लगाया गया है। ये इंजन का नाम भी आपको याद रखना है, यह भी आपका पूछा जा सकता है। और भाप से चलने वाली यह ट्रेन पर्यटक और स्वच्छता मुहिम को बढ़ावा देने के लिए और लोगों को जागरूक करने के लिए गढ़ी हरसरू से फरकनगर तक चलाई जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा विधानसभा की कार्रवाई का सीधा प्रसारण कब से शुरू किया जाएगा? तो इसमें आंसर आएगा अगले साल के बजट सत्र से, और वहीं हरियाणा विधानसभा के स्पीकर है कंवर पाल गुज्जर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस न्यायाधीश को हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है? तो इसमें आंसर आएगा न्यायमूर्ति सूर्यकांत को, और सबसे कम उम्र में हरियाणा का एडवोकेट जनरल बनने का रिकॉर्ड भी न्यायमूर्ति सूर्यकांत के नाम है, और वहीं न्यायमूर्ति सूर्यकांत का जन्म हिसार के नारनौर क्षेत्र के पेटवाड़ गांव में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत समर इंटर्नशिप योजना के तहत हरियाणा के किस छात्र को राष्ट्रीय स्तर पर तृतीय पुरस्कार मिला है? तो इसमें आंसर आएगा सुशील कुमार को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में खेली गई अंडर 23 राष्ट्रीय प्रथम कुश्ती प्रतियोगिता में कौन सा राज्य चैंपियन बना है? तो इसमें आंसर आएगा हरियाणा राज्य, और इसमें हरियाणा राज्य ने 15 स्वर्ण पदक, 2 रजत पदक और 11 कांस्य पदक जीते हैं, और इसी के साथ हरियाणा राज्य ने टोटल 28 पदक जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के हत्यारे नाथुराम गोडसे को हरियाणा के किस जिले की सेंट्रल जेल में फांसी की सजा दी गई थी? तो इसमें आंसर आएगा अंबाला की जेल में, और वहीं नाथुराम गोडसे को 15 नवंबर 1949 को अंबाला की सेंट्रल जेल में फांसी दी गई थी, और नाथुराम गोडसे को उनकी अंतिम इच्छा के अनुसार अंबाला की सेंट्रल जेल में पेड़ पर फांसी दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस विश्वविद्यालय में मिट्टी की वस्तुएं बनाने वाले कारीगरों की कला को निखारने के लिए कोर्स शुरू किया गया है? तो इसमें आंसर आएगा श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय में, और यह पलवल जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले में स्थित मसानी बैराज को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है? तो इसमें आंसर आएगा रेवाड़ी जिले में स्थित, और मसानी बैराज को 1986 में बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्जेंटीना में आयोजित यूथ ओलंपिक की ओपनिंग सेरेमनी में भारतीय दल का ध्वजवाहक हरियाणा के कौन से खिलाड़ी को बनाया गया है? तो इसमें आंसर आएगा मन्नू बाकर को, और मन्नू बाकर हरियाणा के झज्जर जिले की रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार किस विभाग के साथ मिलकर पुरातत्व से संबंधित वैज्ञानिक अध्ययन करने वालों को छात्रवृत्ति प्रदान करेगा? तो इसमें आंसर आएगा पुरातत्व और संग्रहालय विभाग द्वारा, और वहीं भारत में सबसे पुरानी पुरातात्विक साइट हरियाणा के हिसार जिले में स्थित राखी गढ़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 अक्टूबर को कहां पर रेल कोच रिपेयर फैक्ट्री का शिलान्यास किया? तो इसमें आंसर आएगा गन्नौर में, और गन्नौर हरियाणा के सोनीपत जिले में स्थित है, और यह रेल कोच रिपेयर फैक्ट्री 172 एकड़ में
बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सापला का नाम बदलकर क्या करने की घोषणा की है? तो इसमें आंसर आएगा, सापला का नाम बदलकर छोटूराम नगर करने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा उर्दू अकादमी के उपाध्यक्ष कौन है? तो इसमें आंसर आएगा, हरियाणा उर्दू अकादमी के उपाध्यक्ष है डॉक्टर चंद्रा त्रिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा साहित्यिक अकादमी के निदेशक कौन है? तो इसमें आंसर आएगा, हरियाणा साहित्यिक अकादमी के निदेशक है डॉक्टर कुमुद बंसल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोहतक में 64 फीट ऊंची चौधरी छोटूराम की प्रतिमा को किसने बनाया है? तो इसमें आंसर आएगा, इस प्रतिमा को रामवीर सुतार ने बनाया है, और रामवीर सुतार ने ही स्टैचू ऑफ यूनिटी को भी डिजाइन किया है, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है और जो कि गुजरात में बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में कहां पर आईटीओ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की शुरुआत की गई है? तो इसमें आंसर आएगा, गुरुग्राम में। और देश में गुरुग्राम ऐसा दूसरा शहर बन गया जहां पर इस प्रकार का सेंटर खोला गया है, और इस प्रकार का पहला सेंटर वर्ष 2016 में बेंगलोर में शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्मनगरी कुरुक्षेत्र की 48 कोस की परिक्रमा पर पढ़ने वाले तीर्थस्थलों के विकास और जीर्णोद्धार के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कितने करोड़ रुपए के विकास कार्यों की घोषणा की है? तो इसमें आंसर आएगा, 18.39 करोड़ रुपए के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने कब से हरियाणा के सामाजिक पेंशन भोगियों की पेंशन 2000 रुपए कर दी है? तो इसमें आंसर आएगा, 1 नवंबर से, और 1 नवंबर को हरियाणा दिवस मनाया जाता है। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा पंजाब से अलग होकर एक नया राज्य बना था, और जब 1 नवंबर को हरियाणा अलग राज्य बना था उस समय हरियाणा में जिलों की संख्या थी 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हरियाणा में कहां पर रैपिड एक्शन फोर्स की नई बटालियन को मंजूरी प्रदान की है? तो इसमें आंसर आएगा, नूह में, और प्रेजेंट में केंद्रीय गृह मंत्री है राजनाथ सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडोनेशिया में आयोजित एशियन पैरा गेम्स 2018 में किस हरियाणवी खिलाड़ी ने क्लब थ्रो में देश को गोल्ड मेडल दिलाया? तो इसमें आंसर आएगा, एकता भयान ने, और एकता भयान हरियाणा के हिसार जिले की रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा प्रदेश का कौन सा गांव 1000 लड़कों के मुकाबले 1391 लड़कियों के लिंग अनुपात के साथ प्रदेश में पहले स्थान पर है? तो इसमें आंसर आएगा, कोडल गांव, और कोडल गांव हरियाणा के पलवल जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस हरियाणवी निशानेबाज ने यूथ ओलंपिक गेम्स 2018 में वुमेन कैटेगरी के 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है? तो इसमें आंसर आएगा, मन्नू बाकर ने, और मन्नू बाकर हरियाणा के झज्जर जिले की गोरैया गांव की रहने वाली है, और वहीं मन्नू बाकर ने गोल्ड कोस्ट कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 में भी स्वर्ण पदक हासिल किया था, और वहीं ये गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाखड़ा बांध का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो इसमें आंसर आएगा, भाखड़ा बांध का जन्मदाता चौधरी छोटूराम को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में कहां पर 600 एकड़ में एक बड़ी मंडी विकसित की गई है? तो इसमें आंसर आएगा, गन्नौर में, और गन्नौर सोनीपत जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में कहां पर नीदरलैंड की तर्ज पर फूलों की मंडी विकसित की जाएगी? तो इसमें आंसर आएगा, गुरुग्राम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस किसान को इंडोनेशिया में आयोजित सम्मेलन में ग्रास रूट इनोवेशन श्रेणी के तहत पुरस्कार दिया गया? तो इसमें आंसर आएगा, ईश्वर सिंह कुंडू को, और इन्हें 44 लाख रुपए की पुरस्कार राशि से सम्मानित किया गया, और वह ईश्वर सिंह कुंडू हरियाणा के कैथल जिले के रहने वाले हैं, और वह इंडोनेशिया की बात करें तो इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा नस्ल की किस गाय ने कितने किलोग्राम दूध देकर इस तरह की देसी नस्ल की गाय में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? तो इसमें आंसर आएगा, 20.6 किलोग्राम दूध देकर, और यह रिकॉर्ड लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय हिसार के अंतर्गत पशु अनुवांशिक एवं प्रजनन विभाग की हरियाणा नस्ल की गाय ने बनाया है, और वहीं प्रेजेंट में लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के कुलपति है डॉक्टर गुरदयाल सिंह। नेक्स्ट
क्वेश्चन है, हरियाणा में कहां पर 1857 के शहीदों के सम्मान में 22 एकड़ में शहीदी स्मारक स्थापित किया जा रहा है? तो इसमें आंसर आएगा अंबाला छावनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में पिंजौर विरासत उत्सव 2018 का आयोजन कब से कब तक किया गया? तो इसमें आंसर आएगा इसका आयोजन 19 से 21 अक्टूबर के बीच में किया गया, और पिंजौर उत्सव का आयोजन हरियाणा पर्यटन निगम करवाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले में करीब 100 एकड़ में फार्मा पार्क का निर्माण किया जाएगा? तो इसमें आंसर आएगा करनाल जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा उर्दू अकादमी के डायरेक्टर कौन है? तो इसमें आंसर आएगा हरियाणा उर्दू अकादमी के डायरेक्टर हैं डॉक्टर नरेंद्र कुमार उपमन्यु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस खिलाड़ी ने इंडोनेशिया में आयोजित पैरा एशियाई खेल 2018 में जेवलियन थ्रो में सिल्वर पदक जीता है? तो इसमें आंसर आएगा अमित बल्याण ने, और अमित बल्याण सोनीपत के गांव मैलाना के रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुग्राम के मानेसर में 16 अक्टूबर 2018 को एनएसजी यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो इसमें आंसर आएगा 34वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में किस नाम से आतंकवाद निरोधक बल का गठन किया जाएगा? तो इसमें आंसर आएगा कवच नाम से, और कवच का मुख्यालय गुरुग्राम में बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजकुमार सैनी ने हरियाणा में किस नाम से अपनी पार्टी बनाई है? तो इसमें आंसर आएगा लोकतंत्र सुरक्षा मंच के नाम से, और राजकुमार सैनी इसमें कुरुक्षेत्र से बीजेपी सांसद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में 400 से अधिक सेवाएं एक जगह देने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो इसमें आंसर आएगा हरियाणा राज्य। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइए, और इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा लाइक और शेयर करें, और साथ ही आप हमारे चैनल स्टडी जोन को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारी नई वीडियो अपलोड होते ही आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। अब आप हमें फेसबुक लिंक पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और इस लिंक पर जाकर आप हमारी नई वीडियोज़ की अपडेट पा सकते हैं।